हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर सेकंड। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, द नंबर ऑफ 10 इज 3/2। फाइंड द रेशनल नंबर। इससे पहले भी हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस किए थे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हमें इक्वेशन बनानी होती है और जो गिवन नहीं होता उसे हम अज्यूम करते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब ये देखिए, रेशनल नंबर में हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जैसे रेशनल नंबर x अपॉन y, तो x हमारे पास न्यूमरेटर हो गया और y क्या हो गया, डिनोमिनेटर। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। न्यूमरेटर से उसका जो डिनोमिनेटर है वो 8 ज़्यादा है, ग्रेटर देन मीन्स 8 ज़्यादा है। तो न्यूमरेटर को हमें अज्यूम करना होगा, लेट द न्यूमरेटर इज x। न्यूमरेटर को आपने क्या अज्यूम किया, x। देन डिनोमिनेटर इज, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा। जब न्यूमरेटर आपके पास x है तो इससे 8 ज्यादा क्या होगा, x प्लस 8। ठीक है, तो हम इसको रेशनल फॉर्म के नंबर में आप राइट कर सकते हैं। न्यूमरेटर को ऊपर राइट करेंगे x और डिनोमिनेटर को हम अपॉन में 3 आ जाएंगे, हमारे पास रेशनल नंबर x अपॉन x प्लस 8। अब आगे रीड करते हैं। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, न्यूमरेटर में क्या इंक्रीज करना है, 17। इट मीन्स x प्लस 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। और डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज करने, 1 हमने डिक्रीज किया, इसीलिए डिनोमिनेटर में 17 प्लस किया, इंक्रीज हो गए और डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज किया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द नंबर ऑफ 10 इज 3/2। तो हमें क्या ऑप्शन होना चाहिए, 3/2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस 17 हमने राइट के लिए, x प्लस 17 अपॉन 8 में से 1 माइनस किया, प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में जो भी डिवाइड में होती है उसमें पहुंच जाएगी LHS में, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले LHS मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, doing cross multiplication, doing cross multiplication, cross multiplication में हमारे पास 2x plus 17 से multiply होगा, 2x plus 17 and 3x plus 17, bracket open कर देंगे हम, 2 को x से multiply किया 2x, 17 2 जा 34, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 37 के 20, LHS 3x वेरिएबल टर्म्स में, प्लस का इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, प्लस का 3x इधर आया, माइनस 3x, 21 कॉन्स्टेंट टर्म्स हमारे पास, 34 कॉन्स्टेंट ही LHS में, RHS में ट्रांसफर करने में प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 30। अब देखिए 2x में से 3x बड़ी वाले डिजिट के साथ साइन किसका है, माइनस का, तो रिजल्ट आएगा माइनस का, 3x में से 2x माइनस करेंगे, माइनस 6। अब देखिए इस केस में भी बड़ी वाली डिजिट के साथ माइनस का साइन, 34 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30, वो भी माइनस, दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 30, एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 30।
और x हमने क्या अज्यूम किया था, लेट द नंबर और लेट द न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर अब इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। x अपॉन x प्लस 8 में हम वैल्यूज पुट करेंगे x की, ये हो जाएगा हमारे पास 13 एंड 13 प्लस 8, तो आंसर आएगा हमारे पास 13 अपॉन 13 प्लस 8 20। हैंस फाइंड द रेशनल नंबर, हैंस द रेशनल नंबर इज 13 अपॉन 21। इसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल हुज पेरिमीटर इज 26 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज 4/3 सेंटीमीटर। मिक्स फ्रैक्शन में ही, तो सबसे पहले इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन देखिए, फाइंड द लेंथ, हमें लेंथ फाइंड करनी है, पेरिमीटर हमारे पास गिवन है। तो जो हमारे पास गिवन होता है, इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो गिवन होता है उसी का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ और विड्थ सेम ही है, चाहे ब्रेथ बोल दो चाहे विड्थ बोल दो, एक ही है दोनों। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है, हमने फॉर्मूला यूज किया इक्वल टू 2l + b। अब देखिए हमारे पास विड्थ गिवन है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो हम लेंथ को अज्यूम कर लेते हैं x, लेट जो हमारे पास गिवन नहीं होता हम उसे अज्यूम कर लेते हैं। लेट द लेंथ इज x, और देखिए यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर में, तो लेंथ को भी हम x सेंटीमीटर अज्यूम कर लेंगे, एंड विड्थ हमारे पास गिवन है, विड्थ मतलब ब्रेथ ही होता है, विड्थ बोलो चाहे ब्रेथ एक ही चीज है, तो हम ब्रेथ, ये मिक्स फ्रैक्शन में 4 × 3 = 12, 12 + 2 = 14 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ हमने अज्यूम कर लिया, विड्थ हमारे पास गिवन है 14 अपॉन 3 और पेरीमीटर गिवन है, तो गिवन फॉर्मूले में हम पुट करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है 26 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट वैल्यू ऑफ एल एक्स प्लस वैल्यू ऑफ बी इट मीन्स विड्थ 14 अपॉन 3। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करना है, देख आप चाहो तो शॉर्ट में सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है 26 की किस में आ जाएगा, डिवाइड, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 26 अपॉन 2 एक्स प्लस 14 अपॉन 3। अब आपको पता है LHS और RHS को इंटरचेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इट मीन्स एक्स प्लस 14 अपॉन 3 को मैंने इधर राइट किया और इसको इधर, 26 में 2 का डिवाइड करके 2 × 1 = 2 एंड 2 × 3 = 26 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 3, इंटरचेंज शिफ्टिंग करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखिए प्लस का 14 अपॉन 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स इक्वल टू 13 माइनस 14 अपॉन 3, इसके अकॉर्डिंग में कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हो, 1, टेक एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे हम, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, अब 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 3 = 39 माइनस 3 में 3 का डिवाइड करने पर 1 आएगा, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 40 39 में 14 माइनस करेंगे 5 एंड 3 में से 1 2 25 अपॉन 3, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 25 अपॉन 3, आप 25 में 3 का डिवाइड करके फाइंड कर सकते हो, 25 में 3 का डिवाइड करते हैं 3 × 24 माइनस करेंगे 5, 5 - 4 1 = 0,
तो ये आएगा हमारे पास रिमाइंडर को हम राइट कर देंगे जिस किससे डिवाइड कर रहे हो आप थ्री से, तो ये इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में 8 1/3 सेंटीमीटर, या फिर आप डेसिमल में फाइंड कर सकते हो कंप्लीट डिवाइड करके। तो हमारे पास देखिए एक्स आपने क्या अज्यूम किया लाइन, हैंस आप एक लाइन राइट करेंगे यहाँ पर हैंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 1/3 सेंटीमीटर आंसर।